हेलो पीपल, आई होप यू ऑल डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर ऑल द सिक्योरिटी लॉ स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन था जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर, अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले सेशन हुए थे, उसमें डीलिस्टिंग रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन, बायबैक और सारे जो कठिन कठिन एलओडीआर, हर कठिन रेगुलेशन वहां पे कवर हो गया, ठीक है। उसके थोड़े समय पहले एक और सेशन हुए थे, उसमें सारे पार्ट बी के जो भी क्रीम टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो गए। तो सर, जब ये सब चीजें हो चुकी है, तो इस बार का जो मैराथन नाउन से दो दिन बाद, उस मैराथन में क्या होने वाला है? तो बेटा जी, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, अच्छे समझेंगे कि उस मैराथन में क्या करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक चीज बहुत अहम है, तो आप जो आपको सबको समझनी है, दैट ये जो सेशन हुए हैं, इट हैज ऑल बीन कंपाइल्ड अप इन अ प्लेलिस्ट विद द नेम ऑफ टारगेट डिसंबर 2022 सिक्योरिटीज लॉ। जो अपने इंस्पायर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको कंफर्टेबली मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको आज सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे पोस्ट करवा दूंगा। एनश्योर करो कि आपने ये सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से देख लिए, और अपने हर मित्र को हैप्पी बर्थडे टू यू करके प्लेलिस्ट भेज दो। दिस हैज ऑल द इंपॉर्टेंट रिविजन्स विच आर गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर इन द एग्जामिनेशन। बहुत तूफान रिविजन है, सारे डिफिकल्ट रेगुलेशन, एकदम कंसेप्चुअल रिविजन हमने कर रखा है इन सेशंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा जी, इन सबको अच्छे से देखना है और सब लोगों के साथ में, जिन जिन लोगों के लिए यूजफुल हो सकते हैं, उन सबके साथ में शेयर कर देना है प्लेलिस्ट को। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे कि सर, आखिरकार फिर अब अपकमिंग सेशन जो आ रहा है, जो अब हमारा जो मैराथन आने वाला है, उसमें क्या कवर होगा? तो बेटा जी, एक ट्रायो है, एक तीन एक्ट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो जनरली रिविजन में नहीं लिया जाता है, बट चूंकि इस बार बाकी सब रेगुलेशन हो चुके हैं, सो आई एम थिंकिंग लेट्स टेक दिस ट्रायो ऑफ SCRA, सेबी एक्ट एंड डिपॉजिटरीज एक्ट। इस बार इस ट्रायो को भी लेने की इच्छा रखते हैं। उसके बाद में म्यूचुअल फंड, इस बार म्यूचुअल फंड को भी हम लोग तूफान तरीके से फोड़ देंगे। म्यूचुअल फंड इज अ चैप्टर व्हिच इज नॉट सो ट्रिकी, बट अ लेंथी चैप्टर, और एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद में इस बार का मैराथन इज अ टू डे मैराथन, तो एक दिन और क्या करेंगे? एक दिन बेटा जी, हम लोग एंड टू एंड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सिक्योरिटीज लॉ के। आज तक के जितने न्यूमेरिकल्स, जितने एग्जामिनेशन में आए हैं, वी गोइंग टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। दिस मैराथन विल बेयर मिनिमम, आपके मान लीजिए अगर 40 आ रहे थे, तो ये मैराथन आपको 60 तक लाने की ताकत रखता है। अगर आपके ऑलरेडी 50 आ रहे थे, तो ये मैराथन आपको 70 तक लाने की ताकत रखता है। दिस मैराथन इज गोइंग टू हैव दीस, ये जो तीन ट्रायो का एक्ट बताया, वो म्यूचुअल फंड एंड ऑल द न्यूमेरिकल एज ऑन डेट। आज तक के एग्जामिनेशन में जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम मैराथन में कवर करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो आई होप यू गॉट अ वेरी फेयर आइडिया एज टू व्हाट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द मैराथन। लेकिन उसके पहले बेटा जी, जो आज प्लेलिस्ट आएगी सिक्योरिटीज लॉ टारगेट दिसंबर 2022 की, एनश्योर दैट यू सीन ऑल द लेक्चर्स इन दैट सीरीज, कि वो आपने अच्छे से देख लिया है। एनश्योर दैट यू शेयर विद एवरीवन। एंड बेटा जी, एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? खूब खूब पढ़ना है, खूब खूब आगे बढ़ना है। तो बेटा जी, खूब खूब पढ़ो, खूब खूब आगे बढ़ो, एंड आई विल सी यू पीपल वेरी सून ऑन द डेट ऑफ द मैराथन। बाय बाय। एंड उसके पहले यह ध्यान रखना है बेटा जी, आपके CMA का मैराथन उसके पहले हो रहा है, तो एनश्योर यू अटेंड ऑल द मैराथन्स ब्यूटीफुली एंड ट्राई एंड अटेंड फेस टू फेस। इस बार मैराथन हो रहे हैं पुणे के अंदर फेस टू फेस। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू पीपल वेरी सून फॉर सिक्योरिटीज लॉ का मैराथन। बाय बाय।